आदाब, मैं डॉक्टर सफीना समावी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर सेशन में आप सभी तलबा और तालिबात का खैर मकदम करती हूँ। आज के इस लेक्चर सेशन में हम बीए का पेपर पढ़ेंगे जो है UGUR 102, और इसका मैं आपको ब्लॉक 4 और यूनिट 16 पढ़ाऊँगी। आइए अब मैं इसके टॉपिक के बारे में आपसे बात करती हूँ। यूनिट 16 में जो टॉपिक है आपका वो है इम्तियाज़ अली ताज और उनका ड्रामा अनारकली। तो आज हम ड्रामा अनारकली के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसकी मुख्तसर तारुफ मैं सबसे पहले इम्तियाज़ अली ताज के बारे में आपको बताना चाहूँगी। आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ड्रामा निगार के बारे में जानें कि उन्होंने कितने ड्रामे लिखे हैं, अदब में उनका क्या मकाम है, और उसी के साथ साथ आप ये भी जान पाएंगे कि ड्रामा अनारकली का उर्दू अदब में क्या हिस्सा है, क्या मकाम है, और क्यों वो तमाम ड्रामों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इम्तियाज़ अली ताज का मुख्तसर तारुफ देना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ मुख्तसर तारुफ उनके बारे में लिखा है। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर पंजाब में हुई। उनके वालिद शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज़ अली कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। उनके वालिद ने ख़वातीन के लिए एक रिसाला तहज़ीब निस्वा भी जारी किया था। उनकी वालदा मोहम्मदी बेगम भी एक तालीम याफ्ता खातून थी। इम्तियाज़ अली ताज ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स किया और फिर एमए अंग्रेज़ी में दाखिला लिया, मगर इम्तिहान नहीं दे सके थे। ताज कॉलेज के ज़हीन तरीन तालिब इल्म थे। अपने कॉलेज की सकाफती और अदबी सरगर्मियों में मुतहर्रिक और फ़ाल रहते थे। ड्रामा और मुशायरे से इन्हें खास दिलचस्पी थी। शायरी का शौक़ बचपन से था। गज़लें और नज़में कहते थे। ताज एक अच्छे अफसाना निगार भी थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में शमा और परवाना के उनवान से पहला अफसाना भी लिखा। ताज एक उमदा तर्जुमा निगार भी थे। उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड, गोल्ड स्मिथ और क्रिस्टीन गैलॉर्ड जैसे मशहूर मुसन्निफीन की कहानियों के तर्जुमे भी उर्दू ज़बान में किए थे। इम्तियाज़ अली ताज ने अदबी और सवानी नौयत के मजामीन भी लिखे। उर्दू में गांधी जी की सवाने भारत सपूत के उनवान से लिखी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हफीज़ जालंधरी और शौकत थानवी पर उनके मजामीन बहुत अहमियत के हामिल हैं। 19 अप्रैल 1970 को उनका इंतकाल हुआ। अब आइए हम ताज के कुछ अदबी कारनामों के बारे में जानते हैं। ताज एक मोतबर और मुस्तनद सहाफ़ी भी थे। उन्होंने अपना सहाफ़ती सफ़र तहज़ीब निस्वा से शुरू किया था। ताज इम्तियाज़ अली ताज बच्चों के लिए रिसाले फूल के मुदीर की हैसियत से अदबी दुनिया में मुतारिफ़ हुए। 1918 में कहकशां के नाम से एक माहनामा रिसाला भी जारी किया, जिसने बहुत मुख्तसर अरसा में अपनी पहचान कायम की। बाद में वो मखज़न और ज़मींदार जैसे बड़े रिसालों से भी वाबस्ता रहे। उनके रेडियाई ड्रामों में कुर्तबा का काजी, गूंगी जोरू, वर्जीना, खुशी, हरीम कल्ब, सिर्फ कानों के लिए, शेख बरादान, इस्फहान के मुतशायर, उल्लू की ज़बान, अमन और सुकून, कमरा नंबर 5 और उनके अब्बा मशहूर हैं। उन्होंने अनारकली के अलावा 2 और ड्रामे शाहजहाँ और रोशन आरा भी लिखे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखीं। इनमें स्कूल की कहानियाँ, अबुल हसन, बोनो की कहानियाँ, बीरबल की कहानी, ख़जानों की कहानी, खाना बदोशों की कहानियाँ, सांपों की कहानियाँ, जिन्नों की कहानियाँ, तिलस्मात की कहानियाँ, कंजूसों की कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ, परिस्तान, फूल बाग, चिड़ियाखाना, जादू का बुर्ज, झूठ मूठ का भूत वगैरह उनके मशहूर कहानियों के मजमूए हैं। इनकी मज़ाहिया तहरीरों का मजमूआ चचा छक्कन के नाम से बहुत मशहूर है। इसका मरकज़ी किरदार चचा छक्कन उर्दू के अहम मज़ाहिया किरदारों में ख़ास मकाम रखता है। अब आइए मैं आपको ड्रामा अनारकली का मुख्तसर तारुफ़ पेश करती हूँ, जिसके बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं। अनारकली ड्रामा 1922 में इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था और 1931 में ये मंजर आम पर आया। ये उर्दू का पहला ऐसा ड्रामा है जिसमें जदीद रुझानात की कारफरमाई नज़र आती है। मस्कूरा ड्रामे ने उर्दू अदब में न सिर्फ अपना मुनफरिद मकाम बनाया बल्कि उसकी शोहरत और मकबूलियत का सानी भी मिलना मुश्किल है। अनारकली एक रोमानी किस्सा है जिसमें मुग़ल शहजादा सलीम, यानी उसे शेखू कहते हैं, और हरम सरा की कनीज नादरा, जिसको अनारकली का लक़ब मिला था, इन दोनों की दास्तान इश्क बयान की गई है। ड्रामा में जदीद तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और रिवायती ड्रामा से बिल्कुल मुख्तलिफ तजर्बात ही इसे जदीद ड्रामा की सफ़ में लाकर खड़ा कर देते हैं। इसमें खुद गलामी, किरदारों की नफसियाती पेशकश, वाज़े किरदार निगारी, हसब हाल मकालमे और ड्रामाई कशमकश और तसादुम उरूज पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से ही अनारकली को उर्दू का पहला जदीद ड्रामा कहा जाता है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि उर्दू में जदीद ड्रामे की इब्तदा अनारकली से होती है। ड्रामा अनारकली 3 एक्ट पर मुश्तमिल है। पहले एक्ट का उनवान है इश्क, दूसरे एक्ट का उनवान है रक्स और तीसरे एक्ट का उनवान है मौत। अब आइए ड्रामा अनारकली के किरदारों का मैं तारुफ पेश करना चाहती हूँ।
ये किरदार जो अनारकली के अहम किरदार हैं इसको मैंने इस साइड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हाईलाइट किया है, और दूसरे साइड जो अनारकली के ज़िमनी किरदार हैं उनके बारे में लिखा है। जो अनारकली के अहम किरदार हैं उनको देखिए आप कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कि शहनशाह हिंद हैं यानी हिंदुस्तान के बादशाह हैं, सलीम अकबर का बेटा और वली अहद है, बख्तियार सलीम का दोस्त है, रानी अकबर की बीवी जोधा भाई है और सलीम की माँ है, अनारकली हरम सरा की एक कनीज है जिसका नाम नादरा है, सुरैया अनारकली की छोटी बहन है और दिलाराम अकबर की मंजूर नज़र कनीज है। इसके अलावा अनारकली की माँ ज़ाफ़रान हरम सरा की एक शोक कनीज, सितारा अनारकली की सहेली और कनीज, मरवारीद दिलाराम की सहेली और कनीज, अंबर दिलाराम की राजदार है और हरम की कनीज है, और ख्वाजा सरा काफूर यानी ये कनीज़ों के दारोगा हैं। इन तमाम किरदारों पर ये पूरा ड्रामा मुश्तमिल है। अब अनारकली के प्लाट के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या किस्सा बयान किया गया है। शहनशाह अकबर नादरा नाम की एक कनीज के रक्स से खुश होकर उसे अनारकली का खिताब देता है। इस महफिल में शहजादा सलीम अनारकली की मासूमियत और उसके हुस्न पर आशिक हो जाता है। महल में अनारकली की बहुत शोहरत होती है जिसकी वजह से दूसरी कनीज दिलाराम अनारकली से हसद करने लगती है क्योंकि वो शहनशाह अकबर की मंजूर नज़र कनीज थी। बाद में जब इसे ये भी मालूम होता है कि शहजादा सलीम अनारकली से मोहब्बत करता है तो वो उससे और ज़्यादा हसद करती है क्योंकि वो सलीम को चाहती है और हिंदुस्तान की मलका बनने का ख्वाब भी देखती है। वो किसी भी कीमत पर दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। दूसरी जानिब सलीम अनारकली की छोटी बहन सुरैया के ज़रिए अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुँचाता है जिसको सुनकर अनारकली अपनी और सलीम की हैसियत का मुआवजना करती है और खौफजदा हो जाती है क्योंकि अनारकली हरमसरा की कनीज है और सलीम हिंदुस्तान का बादशाह है, बादशाह का बेटा यानी वली अहद है, तो वो इस वजह से खौफजदा हो जाती है। इसके बाद सुरैया सलीम के कहने पर अनारकली को बाग में ले जाती है जहां दोनों मुलाकात करते हैं और दिलाराम छुप कर ये सब बातें देख लेती है। अनारकली रुसवाई के डर से खुदकुशी करना चाहती है लेकिन सुरैया इसको समझाकर मना लेती है। सलीम दिलाराम को अपने महल में बुलवा कर उसकी ज़बान बंद रखने की कीमत पूछता है तो सलीम से वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। इस पर सलीम ये कहता है दिलाराम से कि जो इल्ज़ाम तुम अनारकली पर लगा रही हो अगर वही इल्ज़ाम मैंने तुम पर लगाया तो उसके बाद उसकी सज़ा मौत होगी। तो दिलाराम उस पर दिलेरी से कहती है कि इस वक्त पर्दे के पीछे कोई भी नहीं है, इसकी गवाही कौन देगा। उसी वक्त पर्दे के पीछे से सलीम का दोस्त बख्तियार बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं इसकी गवाही दूंगा। बख्तियार को देखकर दिलाराम खौफजदा हो जाती है और सलीम के कदमों पर सर रखकर उससे माफ़ी मांग लेती है और उसके बाद सलीम उसको माफ़ करके अपना राजदार बना लेता है। महल में जश्न नौरोज़ के मौके पर सलीम दिलाराम से ये ख्वाहिश का इजहार करता है कि वह अनारकली से मुलाकात करना चाहता है और उसके लिए वो कोई रास्ता तलाश करे। उसके लिए दिलाराम सलीम और अकबर दोनों की नशस्तें एक दूसरे से फासले पर रखती है और अकबर सलीम और अनारकली के दरमियान एक बड़ा सा आईना रख देती है ताकि रक्स के दौरान अकबर अनारकली की तमाम हरकत को देख सकें। रक्स के दौरान अनारकली को पानी की जगह शराब दे दी जाती है जिसे पीकर वो मदहोश हो जाती है और बेबाकी से सलीम की जानिब इशारा करने लगती है। सलीम दिलाराम से अनारकली को समझाने के लिए कहता है लेकिन वो समझाने के बजाय अकबर की तवज्जो अनारकली की जानिब करवा कर अनारकली के इशारे दिखा देती है जिसकी वजह से अकबर गजबनाक हो उठता है और फौरन रक्स बंद करने और अनारकली को क्या करने का हुक्म देता है। इसके बाद सलीम की कैफियत दीवानों की सी हो जाती है। सलीम की माँ जोधा भाई अकबर से अनारकली के रहाई की दरख्वास्त करती है लेकिन अकबर मना कर देता है। अकबर दिलाराम से सलीम अनारकली के इश्क के मुतालिक पूछता है तो वो बताती है कि दोनों छुप कर पानी बाग में मिला करते थे और अनारकली शहजादे को उकसाती थी और सलीम को वरगला कर हिंदुस्तान की मलका बनना चाहती थी। दिलाराम ये भी बता देती है कि सलीम ने उसे धमकी दी है और कि वो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर बादशाह तक मेरे और तुम्हारे इश्क की खबर पहुँचा दी जाएगी, इसलिए मैं अपनी जान के खौफ से खामोश रही। ये तमाम झूठी बातें दिलाराम अकबर के सामने पेश कर देती है। सलीम अनारकली से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो उठता है और वो अपने दोस्त बख्तियार से कहकर उससे कोई रास्ता निकालने को कहता है। बख्तियार जो है कैदखाने का जो दारोगा है उसको रिश्वत देकर सलीम से मुलाकात करवाने का तरीका भी तलाश कर लेता है। सलीम कैदखाने में जाकर अनारकली से मुलाकात करने के बजाय उसे भगाने का इरादा कर लेता है जिसका इरादा दारोगा जिंदा जो है भांप जाता है
तक, और वो अकबर के मुआयने के बहाने करके उसको दरवाजे में बंद कर देता है और उसे कोई नशावर चीज़ पिला देता है जिससे सलीम बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अकबर को बताता है कि सलीम अनारकली को भगाना चाहता था और अनारकली ने ही उसको बगावत पर उकसाया है। ये खबर सुनकर अकबर और ज़्यादा गजबनाक हो जाता है और गुस्से के आलम में अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा देने का हुक्म देता है। इस तरह दिलाराम को अपने इरादे में कामयाबी मिलती है और सलीम और अनारकली की मोहब्बत अपने दर्दनाक अंजाम को पहुँचती है। बाद में अकबर और सलीम को दिलाराम की साजिशों का पता भी चलता है, लेकिन उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता है। ये इस ड्रामे का प्लॉट था। इस प्लॉट को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे हम देखते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज ने इन किरदारों की मदद से किस तरह से ड्रामे में जान डाली है। मैं आपको सामने इस इनकी किरदार निगारी के कुछ पॉइंट्स पेश करना चाहती हूँ। आप इसको देखें कि अनारकली में इम्तियाज़ अली ताज ने किरदार निगारी का उम्दा नमूना पेश किया है। इसके किरदार अपनी हरकत सुखनात और गुफ्तगू से बिल्कुल फितरी मालूम होते हैं। इनके किरदारों की तामील व तश्कील में ड्रामा निगाह ने इंसानी नफसियात पर अपनी बेहतरीन गिरफ्त का सबूत दिया है। अकबर का जाह जलाल, सलीम की जज्बातियत, अनारकली की मासूमियत, दिलाराम की अयारी, सुरैया की अकलमंदी, रानी की ममता, ज़ाफरान और सितारा का हंसी मजाक, बख्तियार की दोस्ती, ये सब मिलकर मुगलिया हरम सरा की एक हकीकी तस्वीर पेश करते हैं। ड्रामे में अकबर एक बादशाह के तौर पर हमारे सामने आता है जो मुल्की उमूर से बखूबी वाकिफ है और ख़ुद एतमादी और क़ुव्वत अमल का पैकर है। वो अपने बेटे में भी इन्हीं खसूसियात को देखने का ख्वाहिशमंद है। वो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा एक मामूली कनीज के लिए सुल्तनत के उमूर से मुँह मोड़ ले। वो एक हुजूर पसंद बादशाह के साथ एक मोहब्बत करने वाला बाप भी है। अनारकली की मौत के बाद सलीम की हालत उससे देखी नहीं जाती और वो बेटे के सामने माफ़ी मांगता और गिड़गिड़ाता नज़र आता है, लेकिन अनारकली की मौत पर उसे कोई अफसोस नहीं होता। अनारकली एक सादा और मासूम लड़की है जो सिर्फ मोहब्बत करना जानती है। इसकी वजह से दिलाराम की साजिशों का वो बआसानी शिकार बन जाती है। वो सलीम से मोहब्बत तो करती है लेकिन इसके रास पाश हो जाने के डर से भी खौफजदा रहती है। वो बहुत ज़्यादा बेबस और मजबूर किरदार यहाँ पे है। सलीम एक आशिक मिजाज, रोमान पसंद और जज्बाती शहजादे के रूप में सामने आता है जिसे अनारकली से जुनूनी मोहब्बत है, लेकिन सलीम में भी फहम की यानी अक्ल की कमी है। यही वजह है कि वो भी आसानी से दिलाराम के जाल में फंस जाता है। इसके अलावा दिलाराम इस ड्रामे का सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है। अनारकली में वो हर तरह की जो कशमकश है, तसादुम है, हरकत और अमल है, उसके पीछे इसी की शख्सियत कार फरमा है। वो सलीम से मोहब्बत के जरिए हिंदुस्तान की मलका बनना चाहती है, लेकिन जब उसे ये मालूम होता है कि यह नामुमकिन है तो वो खामोश नहीं बैठती बल्कि साजिश के जरिए अनारकली को रास्ते से हटा देती है। सुरैया अनारकली की छोटी बहन है जो नहायत शोक, बेबाक और अकलमंद लड़की है। वो हर कदम पर अनारकली को दिलाराम से खबरदार करती है। इसकी शख्सियत इस में आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम हासिल करती है। अनारकली की मौत के बाद वो पहले सलीम और फिर अकबर आजम से उस्ताखाना लहजे में बात भी करती है और उनसे ज़रा भी खौफजदा नहीं होती है। इन किरदारों के अलावा रानी, बख्तियार, ख्वाजा सरा और दीगर कनीज़ें भी इस ड्रामे में अहम रोल अदा करती हैं। आइए अब अनारकली के मकालमे के बारे में कुछ जाने उस पर नज़र डालते हैं। मकालमे किसी भी ड्रामे का अहम जुज़ होते हैं। इससे कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और किरदारों की सिफात को उजागर करने का काम भी लिया जाता है। इम्तियाज़ अली ताज ने इस ड्रामे में बेहतरीन मकालमा निगारी का सबूत दिया है। चुस्त फ़िक्रे, हमवार जुमले, इख्तसार व इजाज़ और हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल अनारकली के मकालमों की खसूसियात है। ड्रामा निगार ने हर किरदार के मिजाज और जिन्स के अतबार से मकालमे तहरीर किए हैं। बादशाह अकबर के मकालमों में जहाँ जाओ जलाल नज़र आता है, वहीं सलीम की गुफ्तगू से एक आशिक मिजाज नौजवान के जज्बात की अक्कासी भी होती है। अनारकली का लबो लहजा एक ऐसी कनीस की तस्वीर पेश करता है जो कशमकश में मुबतला है। इसकी गुफ्तगू से उसकी सादगी का अंदाज़ा होता है। इसके बरखिलाफ दिलाराम की ज़बान से निकलने वाले फ़िक्रे उसकी मकारी को ज़ाहिर करते हैं। सुरैया की बातचीत से उसकी शोखी और चुलबुलेपन का भी अंदाज़ा होता है। इस अनारकली ड्रामे के कुछ मकालमे मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर रख रही हूँ। इस पर आप नज़र डालिए। मसलन अनारकली का मकालमा देखिए। अजीब बातें हैं न सुरैया, इसलिए तो मैं किसी से बात नहीं करती। चूर चूर जिस्म और ज़ख्मी दिमाग लिए अपनी सोच से आप ही बचती फिरती हूँ। सलीम का मकालमा देखिए। लेकिन बख्तियार, रात गुजर चुकी, जब्त और इसार का मौका जाता रहा, अपना दिल खोल कर अनारकली के सामने रख चुका। अब तुम ये चाहते हो तुम्हारा सलीम एक कमज़ोर और बेबस लड़की की नज़रों में दरोगो और संग दिल साबित हो। अकबर का मकालमा, मेरी फौजें, मेरी सियासत, मेरे नौरतन सब मेरे ख्वाबों के पीछे आवारा हैं। कौन मेरी तरह नामुमकिन के ख्वाब देख सकता है? कौन मेरी तरह अपने ख्वाबों को हकीकत समझ सकता है? मेरी अजमत मेरे ख्वाब हैं रानी।
आप इन तीनों के मकाल में फ़र्क देखिए कि अनारकली चूँकि एक अनीज़ है, एक मजबूर लड़की है, तो उसके मकाल में सलीम वहाँ का वली अहद है, एक आशिक मिजाज शहजादा है, तो उसके मकाल में फ़र्क है, और अकबर चूँकि मुल्क का बादशाह है, एक ताकतवर इंसान है, तो उसके मकाल में भी फ़र्क नज़र आता है। इसके बाद हम अनारकली में जो तसादुम यानी कि जो किरदारों के बीच कश्मकश है उस पर नज़र डालते हैं। तसादुम है, तसादुम कहते हैं उस चीज़ को जो इंसानों के दरमियान किसी दो ख्याल को लेकर या दो चीज़ को लेकर टकराव होता है, जैसे कि और इसकी दो किस्में भी पाई जाती हैं। तसादुम दो किस्म का हो सकता है, एक दाखिली तसादुम और दूसरा खारजी तसादुम। दाखिली तसादुम वो है जो किसी शख्स के अंदर इन्हीं दो ख्याल के बीच होता है, या कि उसे ये करना है या ये करना है। लेकिन जो खारजी तसादुम है वो कि बाहरी किसी दो शख्स के दरमियान हो सकता है, जैसे इस ड्रामे में मिसाल के तौर पर अनारकली और अकबर के दरमियान तसादुम, अनारकली और दिलाराम के दरमियान तसादुम, या सलीम और अकबर के दरमियान तसादुम, यानी कि दो अलग अलग शख्सियत के बीच ख्यालात को लेकर जो टकराव होगा उसे हम खारजी तसादुम कहेंगे, यानी बाहरी तसादुम। आइए अब इस ड्रामे में कुछ इसकी मिसालें देखते हैं। जैसे कि अनारकली को जब यह मालूम होता है कि वली है सलीम को इससे मोहब्बत है, तो वो एक तरफ तो खुश होती है, लेकिन शहजादे की मोहब्बत का अंजाम उसे खौफजदा करता है और वो ख़ुद को दो राहे पर खड़ा पाती है। यानी अनारकली एक तरफ उसकी मोहब्बत से खुश हो रही है और दूसरी तरफ वो खौफजदा भी हो रही है, यानी उसके जहन में इन दोनों चीज़ों को लेकर एक जंग चल रही है। अकबर का किरदार में भी दाखिली तसादुम पाया जाता है, एक तरफ हिंदुस्तान का शहनशाह है और दूसरी तरफ मोहब्बत करने वाला बाप, वो तसादुम का शिकार होता है। बाप अपने बेटे को खुश देखना चाहता है, लेकिन बादशाह अकबर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। यानी एक बाप अपने बेटे को उसकी मोहब्बत तो देना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो एक बादशाह है और उसे उसके नज़र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है और वो किसी भी तरह की बदनामी नहीं चाहता, इसलिए वो अनारकली को शहजादे से दूर रखना चाहता है। खारजी तसादुम दिलाराम और अनारकली के दरमियान पाया जाता है, जहाँ दोनों सलीम को लेकर दोनों के बीच टकराव है, और सलीम और दिलाराम के दरमियान भी खारजी तसादुम है, यानी कि दिलाराम जो है सलीम को चाहती है और सलीम जो है अनारकली को चाहता है। अनारकली सलीम और अकबर के दरमियान भी शदीद किस्म की कश्मकश यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद ड्रामे में जमा व मकां की बारी आती है। किसी भी ड्रामे के लिए में जमा व मकां का होना ज़रूरी समझा जाता है। जमा वो है कि किसी भी ड्रामे में जो किस्सा बयान किया जाए उस किस्से की मुद्दत इतनी हो कि ड्रामा 3 घंटे मैक्सिमम यानी हद से हद 3 घंटे के अंदर स्टेज किया जा सके। इस लिहाज से अगर अनारकली को देखा जाए तो इसके अंदर वैधत जमा पाया जाता है, यानी कि इस ड्रामे को स्टेज पर 3 घंटे के अंदर ही अंदर पेश किया जा सकता है। वैधत मकां, वैधत मकां से मुराद ये है कि किसी भी ड्रामे में जो किस्सा बयान किया जाए वो मुख्तलिफ जगहों का ना हो, यानी कि जैसे एक किस्सा हिंदुस्तान का है तो दूसरा अमेरिका का, तीसरा जो है चीन का, इस तरह से दूर दूर के इलाकों का मंजर पेश नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्टेज पर इनको पेश करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अनारकली के हवाले से देखेंगे तो ड्रामे में इसको ड्रामे को जो है इस पर पेश जो किया गया है इसमें अनारकली में 13 मनाजिर हैं और 13 मनाजिर में 4 सलीम के ऐवान के हैं, 2 जिंदा के हैं और बकिया 7 मनाजिर किले के मुख्तलिफ हिस्सों के हैं, यानी कि एक किले के अंदर ही तमाम मनाजिर को पेश किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस ड्रामे में वैधत मकां और वैधत जमा दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ड्रामे का अंजाम ही यह तय करता है कि ड्रामा अलमिया होगा या तरबिया होगा। चूँकि अनारकली ड्रामा अनारकली की मौत पर और अकबर आजम के पछतावे पर ख़त्म होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अनारकली एक अलमिया ड्रामा है। हम सब ने इस अनारकली ड्रामे के बारे में जाना, और अगर आप इस ड्रामे के हवाले से मज़ीद मालूमात फराहम कर लेना चाहते हैं या मज़ीद आपको जो है मुताला करना है तो मैं इसके लिए आपके सामने कुछ किताबें पेश कर रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अनारकली का तजियाती मुताला डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब है, और ताज के ड्रामे अनारकली पर एक नज़र ये रूह अफ़ज़ा रहमान साहब की किताब है। उर्दू ड्रामा आज़ादी के बाद डॉक्टर शहनाज सबी, जदीद उर्दू ड्रामा डॉक्टर ज़हीर अनवर, ड्रामा फ़न और रवायत डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन। अनारकली का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया है, यानी कि इसका मतन आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। उर्दू ड्रामा रवायत तजर्बा डॉक्टर अतिया निशाद साहिबा की किताब, इसमें भी आपको अनारकली ड्रामे के बारे में अच्छा मैटर मिल जाएगा। इंदर सभा की रवायत डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन, और उर्दू ड्रामा फ़न और मंजिले प्रोफेसर सैयद बकार अजीम। ये तमाम किताबें आपको अनारकली ड्रामे को समझने में और इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने में आपकी मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया।